चलिए तो आज बिना इंट्रोडक्शन के बनाते हैं बटर चाय, जो कि आगरा की फेमस है। तो बटर चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 कप बनाने जा रहा हूँ बटर चाय। तो इसके लिए मैंने 150 ml लिया। अब मिल्क को अच्छी तरह से खोलने दें। अब जब तक मिल्क में उबाल आता है तब तक हम लोग 1 कप के लिए 2 टीस्पून चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने अनुसार से डालें, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम चीनी डालें, अगर ज़्यादा मीठा पीना पसंद है तो ज़्यादा चीनी डालें। देखिए मिल्क में उबाल आना शुरू हो गया, इसी वक्त हम लोग 1/2 टीस्पून चाय पत्ती डाल देंगे। ये देखिए 1/2 टीस्पून, और इसे खोलना है। जैसे इसमें दूसरी बार उबाला है थोड़ा सा अदरक डाल दें, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो 2 पीस इलायची ले लें और उसे कूट लें। देखिए चाय हल्की हल्की सी लाल हो गई है। अब अगर आपके पास सैफरॉन पड़ा हुआ है, जिसे हम केसर कहते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा डाल दें, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब हम लोग इसमें लास्ट द एंड 20 से 25 ग्राम के अप्रोक्सीमेट बटर डाल देंगे। जब ये बटर पिघल जाए तो आप समझ लेना आपकी चाय तैयार हो चुकी है। देखिए हमारा बटर बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघल चुका है, चाय जो है सर्विंग के लिए रेडी है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। गैस फ्लेम कर रहे हो और इसे सर्व कर रहे हैं। ये देखिए हमारी बटर चाय रेडी है सर्व करने के लिए। सभी में देखिए कितनी अच्छी लगी।